में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जयप्रदा और रामपुर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सपा सांसद आजम खान और मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कोतवाली सिविल लाइन रामपुर में दर्ज हुआ है। मुकदमे को लेकर आक्रोशित है सपा कार्यकर्ता। मुकदमे तो जब से चुनाव लड़ने रामपुर आई और हमने पहले भी कह दिया था कि उनको हार के जाना है यहाँ से। जनता उनके साथ रामपुर की है नहीं, जनता वहाँ की समाजवादी पार्टी के साथ थी, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ थी और वहाँ के कद्दावर नेता आजम खान साहब के साथ, और वही हुआ, आपने देखा भी। और जनता ने हरी मतों से आजम खान साहब को जिताया, जबकि प्रशासन ने वहाँ पर बहुत बड़ी धांधली कराई और चाहता था प्रशासन के आजम खान साहब ना जीते, लेकिन समाजवादियों का और मैं रामपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, विकास का साथ दिया, आजम खान साहब का साथ दिया, अखिलेश यादव जी का साथ दिया। और अब उससे खिन होके वो चली तो गई थी, उनका जाना भी निश्चित तय था, लेकिन आके वो झूठे मुकदमे उठा रही हैं हमारे नेताओं के खिलाफ। माननीय आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ है, एस टी हसन साहब जो सांसद मुरादाबाद के उनके, और मेरे भी खिलाफ बराबर वो मुकदमा करा रही हैं। और मुझे डर है कि अब वो मुझे जान से मरवाने की भी धमकी दे चुकी है, मुझे पता चला है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने आज ही जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम, मेरी बात को भी सुना जाएगा और मैं इस बात को लेकर अब ऊपर तक जाऊंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है और अगर इनमें बातों में सुधार नहीं हुआ तो हम और आगे तक जाएंगे। महिलाओं के प्रति आप गलत टिप्पणी करते हैं, उनका आरोप है, क्या कहना है? नहीं, गलत टिप्पणी मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई बुरा थोड़ी कहा था। जो उनका पेशा है, सांसद तो बाद में बनी थी, पहले तो काम उनका डांस करना नाचना है। भाई फिल्म स्टार है, वो अदाकारा है अच्छी मेरे देश की, तो बुराई क्या है उसमें? मैंने तो उनकी तारीफ की थी, अब वो उसको बुरा समझने लगे, वो सोचती है कि ये बात। देखिए हिंदुस्तान में लोग उनको आर्टिस्ट के फिल्म अदाकारा और नाचने गाने का जो उनका स्टाइल है, अच्छी फिल्मों का बहुत मशहूर उनकी फिल्में हैं, तो वो तो फिल्मों के हिसाब से मैंने उनकी तारीफ की थी। वो कहने लगी मेरा मजाक बना रहा है, तो वो पेशा छोड़ दें अपना, वो फिल्में जितनी उनकी थी उसके लिए खंडन कर दें कि वो मैंने नहीं बनाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? और अब मेरे नेताओं के खिलाफ वो टिप्पणी गलत करती हैं, तो महिलाएं महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर आग्रह करूँगा कि वो इस बातों से बाज आ जाएं और रामपुर से अब संबंध छोड़ दें, क्या फ़ायदा उनका जब जनता ने उनको नकार दिया था।